लेकिन कांग्रेस के लिए जीत की राह उतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। बीजेपी उन 90 सीटों पर खास जोर दे रही है जहां पिछले चुनाव में वो दूसरे स्थान पर रही थी। इसके लिए पार्टी करीब 1.5 दर्जन केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को 5-5 सीटों का जिम्मा देकर व्यापक अभियान चला रही है। ग्रामीण मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने ग्राम स्वराज अभियान भी शुरू किया है। पार्टी को भरोसा है कि दलित बस्तियों में 2-2 रात रुकना दलित वोट बैंक को साधने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा पहली बार वोट डालने जा रहे करीब 2 करोड़ युवा मतदाताओं पर पार्टी की पैनी नजर है। मिशन 2019 के लिए बीजेपी की फुल प्रूफ रणनीति, दूसरी पोजीशन वाली 90 सीटों पर पार्टी का खास जोर, कभी न जीतने वाली 142 सीटों पर पार्टी का फोकस, ग्रामीण और दलित मतदाताओं पर पार्टी की नजर, ग्राम स्वराज अभियान इसी रणनीति का हिस्सा। 2019 में एक बार फिर से पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएं, इसके लिए बीजेपी के रणनीतिकार पार्टी की रणनीति को अमली जमा पहनाने में लगे हैं। बीजेपी साल 2014 में जीती 283 सीटों के अलावा उन 90 सीटों पर खास जोर दे रही है जहां वो 2014 में दूसरे स्थान पर रही थी। इसके अलावा पार्टी का ध्यान उन 142 सीटों पर भी है जिन पर उसे कभी जीत हासिल नहीं हुई। ये सीटें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में है। इनमें कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछले 4 सालों में पार्टी की स्थिति पहले की तुलना में काफी मजबूत हुई है। इस रणनीति के तहत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसी महीने से अलग अलग प्रदेशों की 5-5 लोकसभा सीटों के लिए अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में शाह ने ओडिशा के 2 दिन के दौरे में 5 लोकसभा सीटों को कवर किया। इसी कड़ी में शाह ने 21 अप्रैल को रायबरेली का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ सीटों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को भी उन्होंने संबोधित किया। अमित शाह मई के दूसरे हफ्ते में राजस्थान का दौरा करेंगे जहां हाल ही में पार्टी को लोकसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। जमीनी और बूथ स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी ने शक्ति केंद्रों का गठन करने की पहल को तेजी से आगे बढ़ाया है। इस कार्य में पन्ना प्रमुखों की खास भूमिका रखी गई है। इन 90 सीटों पर जीत दर्ज करने की योजना के तहत बीजेपी नेतृत्व ने मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को 5-5 सीटों का समूह बनाकर जिम्मेदारी दी है। इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर, मनोज सिन्हा, नरेंद्र सिंह तोमर, पीपी चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत आदि शामिल हैं। इसके लिए ऐसे मंत्रियों का चुनाव किया गया है जिनके पास सांगठनिक अनुभव भी है। जाहिर तौर पर ये नेता केंद्रीय योजनाओं के जरिए भी जमीन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और संगठनकर्ता के रूप में भी पार्टी को मजबूत बनाएंगे। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जाना जाता है। गजब की रणनीति है, जहां से लोग सोचना बंद करते हैं वहां से ये लोग सोचना शुरू करते हैं। अब ये इस टाइप की रणनीति बना करके पूरी पार्टी को एक नया शक्ति देना, एक नए तरीके से अपना चीजों को सामने रखना है, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इस टाइप की रणनीति बनाने के बाद उनकी स्थिति चुनावों में क्या होगी ये तो देखने वाली बात होगी, बट ये अच्छी बात है। ये मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया रणनीति बनाई है उन्होंने। इसके अलावा बीजेपी युवाओं को भी रिझाने में जुटी हुई है। बीजेपी की इस योजना में ऐसे करीब 2 करोड़ मतदाता शामिल हैं जो साल 2000 में पैदा हुए और 2019 में पहली बार वोट डालेंगे। युवा मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए बीजेपी ने मिशन 2019 के तहत युवाओं पर खासा जोर दिया है। इसके तहत हर बूथ 10 यूथ का फॉर्मूला पूरे देश में लागू किया जा रहा है। दलितों, आदिवासियों और ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने के लिए ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के दौरान 21,058 गांवों के लिए विशेष पहल शुरू की गई है जहां दलितों की अच्छी खासी आबादी है।
पीएम मोदी ने पार्टी सांसदों, विधायकों और नेताओं से इन गांवों में दो दो रातें गुजारने को कहा है। पार्टी के नेता इस पर अमल भी कर रहे हैं। अब देखना है कि ये सारी कवायदें मोदी की सत्ता में वापसी की राह कितनी आसान करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।